चैनल टेक्निकल हेल्पिंग केशव है। भाई लोग, आप बिजली को उपभोक्ता हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं सुविधा ऐप से घर बैठे अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होगा। सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर में जाकर सुविधा ऐप को डाउनलोड करना होगा। आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे मोबाइल नंबर अपडेट होगा, जो कि मेरे राइट साइड के स्क्रीन पर आप खुद से भी देख सकते हैं। जैसा कि आप मेरा मोबाइल का स्क्रीन देख सकते हैं, हमने पहले से ही सुविधा ऐप डाउनलोड कर रखा है। सुविधा आपको खोल लेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन है, उसको चूज करेंगे, अपना सीए नंबर डालेंगे। सीए नंबर सही से डालिएगा तभी वो लेगा। और सीए नंबर डालने के बाद यहाँ लिखा हुआ है, उसको सर्च बटन दाब दीजिएगा, फिर नया मोबाइल नंबर पंजीकृत का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वहाँ नंबर डालिएगा अपना, जो भी आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना नया वो अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करिएगा तो OTP का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, उसको भेजिएगा। उसमें थोड़ा समय भी लगता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कभी कभी 2-3 सेकंड या कभी कभी 2-3 मिनट भी लग जाते हैं। वो OTP आपका वैलिड रहता है वैसे तो 24 घंटे का। जैसा कि हमको OTP आ चुका है, हम अपना OTP अब डाल रहे हैं। जैसा कि अब हम अपना OTP डाल चुके हैं, OTP के बाद अब हमारे पास कोई एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास आधार कार्ड है, तो हमने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया। अब आधार कार्ड का दोनों साइड का फ़ोटो भी इसमें अपलोड करना रहेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटो ले, तो इसी में आप जाइएगा और जो आपके पास फ़ोटो है, आधार कार्ड है, उसका फ़ोटो क्लिक करके इसमें सबमिट करिएगा। और जैसे ही सबमिट करिएगा उसके बाद ये आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसा कि वेरीफाइड हो रहा है और ये आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।